ना जाने कोरोना कब खत्म होगा। लोगों के मन में और जुबा पर सिर्फ यही बात है। ना जाने किसकी नजर भारत को लगी कि आज देश की हालत ये है। एक खुशहाल देश गमगीन है, जीने की चाह है, लेकिन 2020 में आया कोरोना 2021 में लोगों को जीने नहीं दे रहा। बहुत जद्दोजहद है इस बीमारी से देश को बचाने की। देश के कई राज्यों में इस वक्त या तो कोरोना कर्फ्यू है या लॉकडाउन। अस्पतालों में डॉक्टर्स लोगों को बचाने में लगे हैं, तो सड़कों पर पुलिस प्रशासन लोगों को आगाह कर रहा है, समझा रहा है, लेकिन कुछ लोगों को शायद कभी कोरोना नहीं होगा। ये हम इसलिए कह रहे हैं कि अगर कोरोना होता तो आज ये तस्वीरें सामने नहीं आती। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एट नाइन, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। आज हम आपको दो वीडियो दिखाने जा रहे हैं जो ये बता देगी कि कोरोना को लेकर लोग कितने जागरूक हैं, कितने सजग हैं। जहां एक तरफ कुछ तस्वीर ऐसी भी है जिन्हें देखकर मानो आंखें भर आती हैं और दिल रो उठता है, लेकिन जो लोग आपको इन वीडियो में दिखेंगे इनके लिए कोरोना महज एक मजाक है। इन दोनों वीडियो में से एक देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश का है, वही दूसरा वीडियो कुछ दिन पुराना है, लेकिन ये दिखाना भी जरूरी है। ये वीडियो है गुजरात का। पहले इस नए वीडियो पर हमारी रिपोर्ट देखिए, फिर सवाल भी उठाएंगे और जवाब भी मांगेंगे। बदायूं के जिला काजी और मुस्लिम समुदाय के धर्मगुरु हजरत शेख अब्दुल हमीद मोहम्मद सलीमुल कादरी बदायूनी का कल निधन हो गया था। लोगों का कहना है कि हजरत सलीमुल कादरी सलीम मियां को केवल मुस्लिम ही नहीं बल्कि हिंदू भी बहुत आदर और सम्मान की नजर से देखते थे। शेख अब्दुल्ला हमीद मोहम्मद सलीमुल कादरी बदायूनी खानकाह कादरिया के सज्जादा नशीन भी थे। उनका आकस्मिक निधन होने के बाद उनके शव को कब्रिस्तान में दफन किया गया। उनके जनाजे में हजारों की संख्या में भीड़ उमड़ी और लोगों द्वारा कोरोना नियमों को पूरी तरह से अनदेखा कर दिया गया। हजारों की संख्या में लोग कब्रिस्तान में इकट्ठा हुए और पुलिस प्रशासन लोगों से कोविड नियमों का पालन कराने में असमर्थ नजर आई। कोरोना के चलते जनपद में आंशिक कर्फ्यू चल रहा है। शादी विवाह अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए शासन की गाइडलाइन के अनुसार ही लोग शामिल हो सकते हैं। मगर जिला काजी के जनाजे में भारी भीड़ उमड़ पड़ी जिसने शारीरिक दूरी को भी दरकिनार कर दिया। जनाजे में भारी संख्या में लोग बगैर मास्क लगाए हुए पहुंच गए थे। ऐसे में सवाल ये है कि क्या लोगों में कोरोना का डर नहीं है? आखिर क्यों लोग भूल जाते हैं कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है? वहीं दूसरी तरफ पुलिस और प्रशासन की व्यवस्था की भी यहां पर पोल खुलती हुई नजर आई है। वहीं इस पूरे मामले पर एसएसपी संकल्प शर्मा का कहना है कि जिले में सांप्रदायिक विशेष के एक धर्मगुरु के देहांत के बाद शव यात्रा में काफी लोगों के शामिल होने का मामला सामने आया। इस मामले में धारा 144 और कोविड 19 के उल्लंघन की जो धाराएं हैं उसके अंतर्गत मुकदमा थाना कोतवाली पर दर्ज कर लिया गया है। इस मामले में एडिशनल एसपी के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई है जो सभी साक्ष्यों का अवलोकन करेंगे। इसमें जो भी लोग दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। बदायूं डिस्ट्रिक्ट में एक संप्रदाय विशेष के धर्मगुरु के देहांत के पश्चात उनकी शव यात्रा में काफी संख्या में लोगों के एकत्रित होने का मामला सामने आया है। इस संदर्भ में धारा 144 और कोविड 19 की जो गाइडलाइंस हैं उनके उल्लंघन के लिए धारा 188 और अन्य सुसंगत धाराओं में एक मुकदमा थाना कोतवाली पर पंजीकृत किया गया है। इस संदर्भ में एडिशनल एसपी के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई है जो उपलब्ध सभी साक्ष्यों का विश्लेषण करके जो भी दोषी लोग पाए जाएंगे उनके खिलाफ कठोर वैधानिक कार्रवाई करेगी। मुकदमा तो दर्ज कर लिया गया साहब, लेकिन इस भीड़ में ना जाने कितने संक्रमित हुए होंगे और ना जाने कितनों को करेंगे। बदायूं से सौरभ, न्यूज वर्ल्ड इंडिया। बदायूं का ये नजारा आपने देखा। अब काजी हजरत शेख अब्दुल हमीद मोहम्मद सलीमुल कादरी के जनाजे में 15 से 20 हजार लोग उमड़ पड़े। कोविड प्रोटोकॉल की जमकर धज्जियां उड़ाई, कई लोग बिना मास्क के भी नजर आए। हर कोई जनाजे को कंधा देना चाह रहा था। इस दौरान पुलिस भी बेबस नजर आई।
सोमवार रात इस मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ महामारी अधिनियम के तहत केस भी दर्ज किया गया। अब जरा कादरी साहब के बारे में जानिए, खुद नियमों के पालन की देते थे सीख। कादरी साहब का मुसलमानों के साथ साथ हिंदू भी सम्मान करते थे। उन्होंने कई मसलों पर सरकार का साथ दिया, चाहे वो नागरिकता संशोधन कानून का मसला रहा हो या कोविड-19 प्रोटोकॉल के पालन की बात हो। लोगों को नियम कानून का पालन करने के लिए हमेशा कहते रहे। उनके निधन की सूचना मिलते ही लोगों का जमावड़ा लगने लगा, लेकिन उनकी सीख लोग भूल गए। कोरोना से बेखौफ लोगों ने सारे नियम ताक पर रख दिए। पुलिस भी बेबस नजर आई, लोग जनाजे को कंधा देने के लिए बेताब दिखे, लेकिन उन्हें ये ख्याल नहीं आया कि वो जिस भीड़ में जा रहे हैं, अगर इस भीड़ में वो रहते हैं तो वो कोरोना संक्रमित हो सकते हैं और ना जाने कितने लोगों को संक्रमित कर सकते हैं। इस जनाजे का वीडियो लोगों ने बनाया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिसके बाद लोगों को सोशल मीडिया पर खूब सुनाया गया जो इस जनाजे में शामिल हुए थे। इसके साथ साथ पुलिस को भी नहीं बख्शा गया है, पुलिस की भी काफी फजीहत की गई है। फजीहत के बाद एक्शन में आई पुलिस। लोगों द्वारा वीडियो बनाकर वायरल होने पर बदायूं पुलिस की फजीहत होने लगी। इससे बचने के लिए महामारी अधिनियम की धाराओं में 188, 269 और 270 के तहत मामला दर्ज किया गया। ये मामला सदर कोतवाली पुलिस ने दर्ज किया। एसएसपी बदायूं संकल्प शर्मा ने एसपी सिटी प्रवीण सिंह चौहान को जांच सौंपी है। देखिए इस मामले पर एसएसपी बदायूं ने क्या कहा, वो हम आपको पहले ही बता चुके हैं। सवाल है कि आखिर क्यों भीड़ उमड़ी, क्यों उमड़ी भीड़। पुलिस ने देहात से आने वाले लोगों को नहीं रोका, इसलिए भीड़ पहुंच गई और ना ही किसी पुलिस के अधिकारी ने उनके परिवार या किसी और को समझाने की कोशिश की। पुलिस प्रशासन कोविड नियमों का पालन कराने में असमर्थ दिखाई दिया, या ये कहें मौन साबित हुआ। किसने दी इजाजत? सरकार ने अंतिम संस्कार में सिर्फ 20 लोगों के शामिल होने की अनुमति दी है, लेकिन शायद बदायूं पुलिस को ये बात पता नहीं होगी, तभी तो 15,000 से ज्यादा लोग इस जनाजे में शामिल हो गए। अब आपको कुछ दिन पहले का वीडियो दिखाते हैं, जहां ये कैसा अंधविश्वास है, क्या इस अंधविश्वास में लोगों की जान दांव पर लगाना सही है। गुजरात में कोरोना महामारी के कहर के बीच अहमदाबाद जिले के साणद कस्बे के नवापुरा और निद्राट गांव में हजारों महिलाओं और पुरुषों ने इकट्ठा होकर बलिया देव मंदिर से कलश यात्रा निकाली। कहा जा रहा था कि ये कलश यात्रा इसलिए निकाली गई है क्योंकि उनके गांव में एक भी कोरोना का मामला नहीं आया है पिछले 20 दिनों से। लेकिन क्या आगे नहीं आ सकता, क्या कोई वहां संक्रमित नहीं हो सकता? अब कोरोना को तो ये नहीं पता कि उस गांव में जाना बैन है। इंटरनेट मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर 23 लोगों को गिरफ्तार किया था, जबकि शोभा यात्रा पुलिस की सुरक्षा के बीच ही निकाली गई। देखिए, जहां 2 गज की दूरी की बात हो रही है, वहां इस तरह के उदाहरण दिए जा रहे हैं। गृह राज्य मंत्री प्रदीप सिंह जडेजा ने दो टूक कहा कि राज्य में सामाजिक और धार्मिक समारोह पर पूरी तरह रोक है। उसी दौरान अहमदाबाद जिले के साणद कस्बे के नवापुरा और निद्राड़ गांव में बलिया देव मंदिर में हजारों की संख्या में महिलाओं और पुरुषों ने कलश यात्रा निकाली। इससे साफ साबित होता है कि भले ही आप जो मर्जी कह ले कि सरकार कोशिश नहीं कर रही है या पुलिस प्रशासन मौन साबित हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों की लापरवाही जरूर दिखाई देती है। कुछ तो ये बीमारी, कुछ सरकार, कुछ सिस्टम, कुछ लोगों की अनदेखी, कुछ पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मजबूर है। आपने दोनों वीडियो देखी, अब आप फैसला करें कि क्या ये सही है, लोगों की लापरवाही और पुलिस का नजरअंदाज कर देना पुलिस प्रशासन को मौन बना देता है। उम्मीद है कि इस कोरोना काल में और ऐसी तस्वीरें ना सामने आए, क्योंकि जब जब ऐसी तस्वीर आती है मन में टीस उठती है कि कहीं ये संक्रमण और तेजी के साथ ना फैल जाए। भारत एट 9 में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। नमस्कार।